खबरें फटाफट में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। एएसपी की गाड़ी से स्कूटी को टक्कर मारने के मामले में कुछ और वीडियो आए सामने। दूसरी तरफ से सड़क पार कराता दिख रहा स्कूटी सवार। सुन्नी लुहरी सड़क बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य दूसरे दिन भी जारी। पहाड़ को काटने के लिए मजदूर जान जोखिम में डालकर कर रहे काम। जरा सी चूक होने पर हो सकती है बड़ी अनहोनी। किन्नौर जिला के निगुलसरी के पास पहाड़ी से चट्टाने गिरने से एनएच से गुजर रही पिकअप क्षतिग्रस्त। सड़क पर बिखरे वाहन में लदे सेब, एनएचएआई ने बहाल किया मार्ग। नारकोटिक्स विभाग कुल्लू तथा जोगिंदरनगर पुलिस की टीम ने घट्टा के पास लगाए नाके में दोपहिया वाहन से 5.90 ग्राम चिट्टा किया बरामद। पुलिस ने बैजनाथ के युवक को किया गिरफ्तार। जिला सिरमौर की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहा में विज्ञान एवं गणित मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन। समग्र शिक्षा व राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कनिष्क वर्ग व वरिष्ठ वर्ग में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा। सुलह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर स्थानीय विधायक विपिन सिंह परमार ने सुलह मंडल भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मुख्यमंत्री सुक्खू को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्र में आपदा प्रभावितों की जल्द व समुचित सहायता करने की उठाई मांग। सिरमौर जिला के प्राइमरी स्कूल नया पंजोर में बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठशाला में अरसे से मात्र एक टीचर तैनात। मिडिल स्कूल नया में भी एक ही अध्यापक दे रहा सेवाएं। कंडाघाट के जदारी नालाघाट प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी की धूम। कृष्ण भजनों पर जमकर झूमे श्रद्धालु, पूरा पंडाल भक्तिमय। तुलसी कुटीर आनंद आश्रम कुनिहार में एक बार फिर खिला ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल के खिलते ही महका पूरा आश्रम। 3 वर्षों से लगातार खिल रहा कमल। कंडाघाट में गुरुवार को गुग्गा माड़ी मेले का आगाज। पहले दिन महिलाओं और बच्चों की खेलों का आयोजन। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित कृष्ण मंदिर में इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भारी संख्या में पहुंचे कृष्ण भक्त। किन्नौर जिला के यूलाकंडा में बने मंदिर में मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। भारतीय जनता पार्टी के महत्वाकांक्षी अभियान मेरी माटी मेरा देश की शुरुआत। ऊना विधानसभा क्षेत्र में विधायक सतपाल सिंह सत्ती की अगुवाई में हुई अभियान की शुरुआत। हिमाचल पथ परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर बुलंद की आवाज। उच्च न्यायालय द्वारा 2 मामलों में पेंशनर्स के हक में दिए गए फैसले को लागू करने की उठाई मांग। बस स्टैंड हमीरपुर में हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच जिला हमीरपुर इकाई की बैठक का आयोजन। बैठक में पेंशन का स्थायी समाधान करने की गुहार। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।